अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ, जो कि मैं अपनी शॉप के लिए टूल लेने आया हूँ। लाहौर में टूल लेने इस वजह से आया हूँ कि पिंडी में भी हम जा सकते थे, कि लाहौर में हर चीज़ मिल जाती है। जब भी आएँ आप लाहौर में आएँ अपनी शॉप के लिए टूल लेने के लिए, तो हमने जो मेन चीज़ लेनी थी वो लेना था स्कैनर, कार स्कैनर। आज के दौर में कार स्कैनर बहुत ही ज़रूरी हो गया, यानी कि हर मैकेनिक, हर इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं होगा तो आप गाड़ी को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले वक्त में जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे या नहीं समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्योंकि स्कैनर के बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, तो हम वहीद गुल साहब जो जिनके पास हम आए, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उनके यूट्यूब चैनल का वही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनके चैनल को फॉलो करें। ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्कैनर को चलाना भी सिखाते हैं और ये सेंसर वगैरह के बारे में, इंजन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैनल है इनका और काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके चैनल से। मालूम ले लेते हैं कि स्कैनर कौन सा लेना चाहिए और उसकी क्या प्राइस होगी, और पाकिस्तान में, क्योंकि ये मैं वीडियो पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, अगर और ज़्यादा किसी और मुल्क में ये चल सकती हैं या चलता है या काम करता है तो इनके बारे में वहीद भाई से ही जानते हैं। तो चले आइए जानते हैं वहीद भाई से इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग आए हमारे पास, स्कैनर आपने परचेज़ किया। स्कैनर पाकिस्तान में और भी बहुत सी जगहों से मिलते हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर को ये कहते हैं कि अगर आप हमसे स्कैनर लेते हैं तो हम आपको साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं। जैसा कि आप जब इधर पहुंचे तो आपने कहा कि मुझे स्कैनर यूज़ करना नहीं आता, तो एक घंटे के अंदर ही मैंने आपको इसके बेसिक जितने भी फंक्शन थे वो सारे समझा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह आपके अलावा भी कोई भी दोस्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह आप स्कैनर परचेज करेंगे हमसे, तो हम फुली आपको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान और अरब कंट्री के अंदर भी अगर किसी भी भाई को स्कैनर डिवाइस, कोई गाड़ियों के रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छे प्रोडक्ट देंगे और फुली टेक्निकल सपोर्ट के साथ, गारंटी के साथ देंगे। ये आजकल के वक्त की बहुत ज़रूरत है, हर तरह की गाड़ी आ रही है मार्केट के अंदर जिनका बगैर स्कैनर्स के काम करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए नॉर्मल, बेशक आपके पास स्कैनर हो, आप पाकिस्तान में किसी भी जगह काम करते हैं या पाकिस्तान से बाहर, आपके पास स्कैनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। देखें, ये तो स्कैनर की सुनने में आता बहुत ज़्यादा प्राइस है ना, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा प्राइस, तो ये जो हमने लिया है इसकी क्या प्राइस है, चलिए इनसे जान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी प्राइस को डॉलर के हिसाब से होती है तो ये कम ज़्यादा होती रहती है। तो क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उनसे पूछ लेते हैं, कि क्योंकि वो हम परचेज़ नहीं कर सकते और हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो इसकी जो हमने, इन्होंने हमें दिया, इसकी क्या अपडेट है, ये कितने साल की अपडेट होती है, ये क्या, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये जो अभी आपने स्कैनर परचेज़ किया है, ये 8 इंच के टैबलेट के साथ है, हमारे पास 8 इंच के टैबलेट के साथ भी अवेलेबल है और 10 इंच के टैबलेट के साथ भी स्कैनर अवेलेबल है। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास 5,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपये तक स्कैनर जो हैं वो डिफरेंट प्राइस के अंदर मौजूद हैं, जो कोई अफोर्ड कर सकता है जिस प्राइस में भी, हम उसके बजट के मुताबिक उसे बता देते हैं कि आप ये वाला स्कैनर ले लें। अगर कोई बंदा 50,000 खर्च कर सकता है तो उसके लिए भी स्कैनर हमारे पास है, अगर कोई बंदा 5,000 खर्च कर सकता है तो उसके लिए भी हमारे पास स्कैनर है, और विद टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मेरे चैनल के ऊपर भी फ्री है, और वैसे भी जो बंदे हमारे ट्रेनिंग सेंटर या इधर आते हैं हम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट फ्री करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाँ, अगर कोई 1 महीने या 2 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसके लिए फिर डिफरेंट किस्म की फीसेज हैं, जो डिफरेंट कोर्स हैं और उसके मुताबिक फिर फीसें हैं। देखें जी, चलें, जो मालूमात इनके पास थी या हमारे पास थी आपके साथ शेयर किया है, तो चलें नेक्स्ट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमने जैसे सीखा स्कैनर चलाना सीखा, या कुछ और सीखेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।